लोकसभा सांसद व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने अधिकारियों से समन्वय के साथ काम करने को कहा है ताकि आम जनता को बेहतर सुविधा मिल सके। मंडी में दिशा कमेटी की बैठक की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने अधिकारियों को केंद्र व प्रदेश सरकार की योजनाओं और कार्यक्रमों का व्यापक प्रचार प्रसार करने को भी कहा ताकि ज्यादा से ज्यादा पात्र लोग इन योजनाओं का लाभ ले सके। उन्होंने विभिन्न विकास कार्यों की समीक्षा भी की। दिशा कमेटी की मीटिंग हम हर 3 महीने में करते हैं, उसी संदर्भ में ये मीटिंग हमने कॉल की और हमने ये देखने की कोशिश की कि हर डिपार्टमेंट ने क्या प्रोग्रेस की, क्या काम किया, उसके बारे में चर्चा हुई, उसके बारे में उन्होंने हमको जानकारी दी। और उसी तरह से जो हमारा MP फंड हर क्षेत्र में जाता है, हर पार्लियामेंट्री हलके में जाता है, उसके ऊपर भी उन्होंने जानकारी दी कि कितने काम कंप्लीट हो चुके हैं और कितने काम अभी इनकम्प्लीट पड़े हैं जिस पे अभी काम हो रहा है। तो उसके बारे में मैंने ये निर्देश दिए हैं कि जल्दी एक वीडियो की मीटिंग की जाए BDOs के साथ, ताकि वो हमको डिटेल वाइज बताए कि क्यों कुछ काम इनकम्प्लीट है, क्योंकि हमारे पास अगले चुनाव के लिए बहुत कम समय रह गया है। प्रतिभा सिंह ने बाद में कुल्लू की गाहर पंचायत के चरूड़ में ग्रामीण हाट भवन का शिलान्यास भी किया। उन्होंने सेऊबाग में अमृत सरोवर पुलिया और पार्क का लोकार्पण भी किया। उन्होंने इस मौके पर कहा कि कुल्लू घाटी पर्यटन के विश्व मानचित्र पर प्रसिद्ध है और सेऊबाग में नेचर पार्क के लोकार्पण और गाहर में हाट के शिलान्यास के बाद यहां घूमने आने वाले पर्यटकों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध होंगी। प्रतिभा सिंह ने कहा कि वे मुख्यमंत्री से शिकायत निवारण समिति में वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं को शामिल करने का आग्रह करेंगी। उन्होंने ये भी कहा कि लोकसभा चुनाव में यदि जरूरत महसूस हुई तो निष्कासित नेताओं को पदाधिकारी है उनको लेना बहुत आवश्यक है, तो वो भी उस कार्य को करें। लोकसभा का चुनाव 24 में आया है और हमने जिस तरीके से पिछली मर्तबा भी उपचुनाव को जीता, 3 उसमें और उपचुनाव हुए उनको भी हमने जीता, विधानसभा जीती, शिमला कॉरपोरेशन जीती, कर्नाटका में हमने अच्छी जीत हासिल की है, उसी तरह से हमारा जो ये इलेक्शन होगा इसमें भी हम भारी बहुमत से जीत, धीरे धीरे चरणबद्ध तरीके से सब कुछ होगा, इसमें कोई जल्दी करने की आवश्यकता नहीं है। पर अगर हमको लगेगा कि इनकी सेवाओं की हमारे को आवश्यकता है तो हम उनको वापस लाने की भी सोच रख सकते हैं।